बॉल टैंपरिंग की घटना के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटर वीवीएस लक्ष्मण ने टीम के कप्तान डेविड वार्नर को लेकर फ्रेंचाइजी का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद पहले इंतजार करेगी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वार्नर को लेकर क्या फैसला लेती है, उसके बाद वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि स्टीव स्मिथ को राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी से हटाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि डेविड वार्नर से भी सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी छीन ली जाएगी। हालांकि अभी तक सनराइजर्स हैदराबाद ने इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट से बातचीत में वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि केप टाउन टेस्ट में जो कुछ भी हुआ वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक सनराइजर्स हैदराबाद का सवाल है तो अभी इस पर कुछ टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। हम इसके लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैसले का इंतजार करेंगे। लक्ष्मण से जब पूछा गया कि क्या वार्नर को लेकर कोई दूसरा प्लान बनाया गया है तो उन्होंने कहा कि अभी उनके पास सीमित जानकारी है, इसलिए हम अभी इंतजार करेंगे, उसके बाद ही इस पर कुछ कह पाएंगे। जहां तक वार्नर का सवाल है, वो सनराइजर्स के लिए एक बेहतरीन कप्तान रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।